है बिहार के नालंदा से, बोरवेल में गिरे बच्चे को निकाला गया है, बच्चे को जिंदा निकाला गया। करीब 8 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 40 फीट गहरे बोरवेल में फंसा था शिवम। बोरवेल में गिरे बच्चे की उम्र 3 साल की थी और शिवम को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एक ये बहुत अच्छी खबर बिहार से आ रही है, 3 साल के बच्चे शिवम को जिंदा बाहर निकाला गया है 40 फीट गहरे बोरवेल से। बोरवेल में बच्चा गिर गया था, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार 8 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी और फिलहाल अच्छी खबर यही है कि नालंदा में बच्चे को जिंदा निकाला गया है। शिवम जो कि 40 फीट गहरे बोरवेल में फंसा था, करीब 8 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। ये तस्वीरें आप देखिए जब उस बच्चे को जिंदा निकाला गया, कैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही थी। बच्चे को सुरक्षित निकाला गया है। बिहार के नालंदा की ये तस्वीरें हैं। 8 घंटे तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करता रहा शिवम, फिलहाल जिंदा शिवम को बाहर निकाला गया है, अस्पताल लेकर जाया गया शिवम को, जो कि 8 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था नालंदा में। शिवम को बचाने की मुहिम सफल हुई है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की। फिलहाल शिवम को अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। 8 घंटे तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। अच्छा लग रहा है, हमारे बेटवा निकल गए, लेकिन कैसे के तैयार का चाहिए। आगे मैया निकाल देला भगवान हला, आगे मैनी न तो की करत वन गरीब है। धन्यवाद। सकुशल रेस्क्यू हो गया, यहाँ से अभी एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल चला गया है। अभी से एकदम ठीक था बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सही सलामत निकल के यहाँ से चला गया। कितने समय आप लोग को लगे रेस्क्यू करने? रेस्क्यू करने में लगभग तो 5 घंटा लगभग लग गया। कितनी बड़ी चैलेंजिंग थी? चैलेंजिंग थी सर, आप देख रहे थे यहाँ पे लगभग 60 फीट नीचे थी। कई तरीका हम लोगों ने अपनाया, हर तरीका के लिए अलग चैलेंज, एक तरीका को मिस होने के बाद और चैलेंज बढ़ जाता हमारा। उस हिसाब से तरीका, अनेक तरीका लगा करके बार बार इम्प्लाय करके फाइनली उसको निकाला गया था। तो देखिए फिलहाल शिवम को जिंदा बोरवेल से निकाल लिया गया है बिहार के नालंदा से। ये बड़ी खबर आ रही है, अच्छी खबर आ रही है, ऑपरेशन जिंदगी सफल रहा। 3 साल के शिवम को 8 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जिंदा निकाला गया है। 40 फीट गहरे बोरवेल में फंसा था शिवम, जिसे अब अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। देखिए ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जब शिवम को बाहर निकाला गया, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सुबह से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी, और दूसरी तस्वीर वहां की जिस बोरवेल में शिवम फंसा था, 8 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। फिलहाल शिवम को सुरक्षित बाहर निकाला गया और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। Z News.